आज हमारा करीब करीब 75 से 76 डेज हो गए, लेकिन हम लोग इतने लंबा रोड पार कर दिया, करीब करीब 1500 किलोमीटर। तो हम लोग हर रोड में एक चीज देखा जो गवर्नमेंट का, हमारा इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारे फॉल्ट है। अभी जो आप देख रहे हैं, जो एक गाड़ी पड़ा हुआ है, ऐसा बहुत गाड़ी देखा है, जानवर पड़ा हुआ है देखा, गाड़ी पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट होके इतना एक्सीडेंट, और इतना छोटे छोटे रोड है ना। अभी जो जहां से हम लोग चल रहे हैं, नासिक जा रहे मैं, तो ये पहाड़ वाला रोड है। इस पहाड़ वाला रोड में मैं बहुत बार गाड़ी देखा है ऐसा, जो गाड़ी एक्सीडेंट होके 10-15 दिन से पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी अथॉरिटीज, कोई भी गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी को कोई परवाही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो इसके लिए और भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही नैरो रोड है, उसके ऊपर क्या है ना, इस रोड से बहुत सारे गाड़ी हर रोज जाते हैं, तो ये गाड़ी की जो एक्सीडेंट होकर गिर जाते हैं, उसके वजह से बाकी रोड बहुत ही ट्रैफिक में फंस जाता है, जैम हो जाता है। लेकिन ये समझ नहीं पाता हूं मैं गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार और गुजरात स्टेट सरकार दोनों को मैं बहुत ही मिनती कर रहा हूं, प्लीज आप लोगों को ये सब चीज नजर में रखना चाहिए, क्योंकि इससे और भी प्रॉब्लम बढ़ेगा और भी एक्सीडेंट होगा। सो जब भी कोई एक्सीडेंट हो, तुरंत ही उसका एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि मैं लंबा टाइम में यूएस में रुके, ऑस्ट्रेलिया में रुके, तो उधर के मैंने देखा जो उन लोगों का सिक्योरिटी और उन लोगों का काम करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही अलग है। तो मुझे लगता है हमारा भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये सब देखते देखते हम लोग आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हम लोगों को महाराष्ट्र के बॉर्डर, गुजरात के बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र के अंदर घुसना है। रोड में हम लोग बहुत सारी चीज खाया, मैं इवनिंग मैं गन्ने का जूस पिया, इवनिंग को कोई दिया था टोमेटो खिलाने के लिए, तो इवनिंग का बहुत फेवरेट है टोमेटो। उसके बाद हम लोग चला आया महाराष्ट्र के बॉर्डर के, और महाराष्ट्र में घुस गया। देन हम लोग चला आया नासिक, नासिक में हम लोग इस होटल में थे, IBISM होटल में, दे पीपल अलाउ टू डॉग होटल के अंदर, दूसरे कोई होटल नहीं है नासिक में जो डॉग अलाउ करते हैं, लेकिन वो लोग चार्ज लेते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक दिक्कत की चीज है। गांव में और हाईवे रोड के, गांव में हम लोग मंदिर आश्रम मिल जाता है, लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है ना, सिटी के अंदर आश्रम और मंदिर मिलना बहुत ही मुश्किल है, और इसलिए हम लोगों को होटल प्रेफर करना पड़ता है। और हर होटल में तो डॉग अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो लोग जानवर अलाउ ही नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ होटल है जो लोग जानवर अलाउ करते, पेट्स अलाउ करते, लेकिन वो लोग चार्ज बहुत हाई लेते। देन नासिक आने के बाद मैं घूमा थोड़ा सा, और ये जो सेट देख रहे हैं आप लोग, ये सेट जो देख रहे हैं, ये सेट है रामायण के, नीतीश तिवारी के रामायण के सेट है। मेरा एक फ्रेंड है जिसको लेके मैंने गए थे, उन्होंने इन्वाइट किया था मुझे उधर जाने के लिए। देन हम लोग सुबह का खाना, दोपहर का खाना, और होटल के अंदर इवनिंग बहुत मस्ती कर रहे थे, क्योंकि इवनिंग को थोड़ा वॉक कराना पड़ता है शाम के टाइम। और उसके बाद हम लोग सो गया। नमस्ते।